दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब। हरिपुर धार क्षेत्र में बड़ियालटा नामक स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक अविनाश नेगी की अध्यक्षता में एरोस्पोर्ट्स नियम 2004 के अधीन गठित तकनीकी कमेटी ने पैराग्लाइडिंग उड़ान का निरीक्षण किया। इस कमेटी में सिरमौर जिला के जिला पर्यटन अधिकारी राजीव मिश्रा सहित बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के तकनीकी मुखिया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पैराग्लाइडिंग पायलट ज्योति ठाकुर, बीड बिलिंग से पायलट रणजीत सिंह राजकुमार और बिलासपुर के विशाल जस्सल के अलावा सोलंग नाला मनाली के पायलट दिनेश ठाकुर और धर्मेंद्र ठाकुर भी शामिल थे। तकनीकी कमेटी के सामने सबसे पहले बीड बिलिंग से आए पायलट रणजीत सिंह ने सोलो यानी एकल उड़ान भरी। उसके बाद सोलंग नाला से आए पैरा पायलट दिनेश ठाकुर और धर्मेंद्र ठाकुर ने मानव हिल रिजॉर्ट बड़ियालटा से कमल शर्मा और मनोज कुमार को साथ लेकर टेंडम उड़ान भरी। यह में एटीडीओ नाहन की तरफ से एक रिक्वेजिशन आया था जिसमें एक वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को जो ऑपरेटर है उसको रजिस्टर करना था। इसके अलावा हमें दो एक नए पैरा ग्लाइडिंग साइट जो बड़ियालटा टू लजबा है लैंडिंग एंड टेक ऑफ और ददाहू है जिसकी लैंडिंग जलाल रिवर पर होनी है, इसको नए साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए आए थे। और ये साइट हमने एक साइट का तो हमने निरीक्षण कर ही लिया है और उसमें हमने कुछ पायलट्स थे जो मनाली के कुछ एक्सपर्ट पायलट हैं और बीड बिलिंग से हमने कुछ पायलट बुलाए थे। टोटल 7-8 पायलट आए हैं जिसमें से बड़ियालटा की साइट पे 3 पायलट्स ने सक्सेसफुली टेक ऑफ कर लिया है। अब इसके बाद हम दोबारा विंड कंडीशन पे आ गए हैं। आज हमने सिरमौर जिला के हरिपुर धार के निकट बड़ियालटा में पैराग्लाइडिंग के ट्रायल कराए और जो मनाली में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान है उसके निदेशक श्री नेगी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा जो एक कमेटी गठित की गई है एरोस्पोर्ट्स के नियमों के अंतर्गत, वो पूरी कमेटी आज यहाँ बड़ियालटा में आई और उनके सामने जो है बीड बिलिंग कांगड़ा से और जो ये हमारा सोलंग नाला है मनाली में वहां से जो है 6-7 पायलट आए थे और उन्होंने बड़ियालटा से उड़ान भरी। और ये जो सुंदरघाट शिवपुर रोड है वहां एक नीचे गांव है लजवा, उन्होंने बड़ियालटा से उड़ान भरी और लजवा में जो है उन्होंने लैंडिंग करी और कमेटी के सामने जो है ना केवल उन्होंने सफलतापूर्वक उड़ान भरी और लैंडिंग करी बल्कि उन्होंने जो है वो हवा में जो है कर्तव्य भी दिखाए अनेक प्रकार के। और हमारे हिसाब से तो उन्होंने इस साइट को जो है अनुमोदित शायद हो जाएगा लेकिन इसमें वो अनेक पहलुओं पर विचार करके कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके बाद भी इस साइट की अप्रूवल जो है मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र अगर सरकार की यहाँ अनुमति मिल गई तो यहाँ पर जो है पंछियों की भांति जो है मानव परिंदे आसमान में उड़ेंगे। और जब जिस तरह से बीड बिलिंग में हजारों लोग लाखों लोग जो है देश विदेश से वहां आके पैराग्लाइडिंग करते हैं उसी तरह से इस क्षेत्र में भी पर्यटक जो है देश विदेश से आएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नौराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल कैरियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेई नीट एनडीए एनटीएससी जैसे विभिन्न कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जोहर दिखा रहे हैं। सूर्याकरण भारद्वाज राष्ट्रीय स्तर पर योगा गेम्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं स्कूल के विद्यार्थी स्कूल जोन जिला व राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में चित्रकला रंगोली मेहंदी वाद विवाद साइंस क्विज प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास व बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं।